नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र का दौर चल रहा है। ऐसे में विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने जाति आधारित जनगणना को लेकर कोड जारी किए जाने को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी जाति और समुदाय के लोग एक हैं और कांग्रेस जाति पर भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस सिर्फ बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अजीत शर्मा इस वीडियो में। फैसला सरकार ने किया है, कोड जारी भी हो गया है, इसको किस सेंस में? भाई अब कोड अब गिनती के लिए किया होगा, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी जाति पर विश्वास नहीं करते। हम लोग सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग एक हैं और हम लोग सिर्फ बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो कोड जारी किया गया, बीजेपी अब इस पर जहाँ तक सवाल खड़ा नहीं, कोई कोड जारी किया गया गिनती के लिए कुछ किया होगा। कोड तो जैसे कि क्रमांक होता है 1 2 3 4 वैसे कुछ होगा, लेकिन जाति पाति के बाद में इसको बांटने का पूरे बिहार को और देश को मत कीजिए। ये आप पैदा बिहार शरीफ गए थे सर, वहाँ पे क्या सिचुएशन था, आपने क्या पाया वहाँ? देखिए यहाँ पर एकदम साजिश के तहत किया गया है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। और ये बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सभी लोग जान रहे हैं, आप भी सभी मीडिया भाई भी जान रहे हैं कि वो लोगों ने गलत काम किया। और निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन वहाँ कमज़ोर रही और बहुत बहुत भीड़ थी, और जो हुआ है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर मैंने रिपोर्ट तैयार किया और आज पीसीबी करेंगे 1 बजे हम सदाकत आश्रम में। निश्चित तौर पर यह गलत हुआ है और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, माननीय विधायक का क्या काम है अपने क्षेत्र को शांति बनाए रखना? वहाँ के विधायक क्या कर रहे थे? वो है भी नहीं, तो ये जाँच का विषय है। और ये हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और ऊपर विजिलेंस से जांच करा के देखें, जो दोषी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। की भूमिका संदिग्ध की तरफ से न्यायिक जांच की मांग, विधायक की भूमिका संदिग्ध आपको लग रही है क्या? हमको तो लग रहा है जो जनता का रिपोर्ट है, हमको पर्सनली कुछ नहीं, वहाँ का जो रिपोर्ट है कि निश्चित तौर पर उनका है। कहा कि विधायक का काम है कि अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखे। मेरे यहाँ निवासी में दंगा हुआ था, उसके बाद आपको पता होगा कि हम लोगों ने कैसे एकजुट रखने का। रामनवमी क्या सिर्फ बिहार में दो ही जगह था, सासाराम और वहाँ, और कहीं नहीं हुआ? जहाँ जहाँ अमित शाह आने वाले थे सासाराम में और हिसुआ में आए, तो हिसुआ से बिहार शरीफ 25 किलोमीटर दूरी है, क्या वहीं होता है क्या? और बिहार में रामनवमी का जुलूस नहीं निकला? यह सोचने की बात है कि अमित शाह जहाँ जा गए वहीं पर यह हुआ, धर्म के नाम पर बांटने का काम किया गया, यह बस सोचने विषय। पलायन का दावा किया जा रहा है कि पलायन लोग कर रहे हैं? नहीं, पलायन वलायन नहीं कर रहे हैं, सब लोग वहीं हैं और सब भी शांति से। और वहाँ का देखिए, वहाँ लोकल आदमी कोई नहीं किया है, जो भी है सब बाहर का आदमी, हायर्ड आदमी ने किया, जो वहाँ के सब हिंदू मुसलमान भाई सब लोग बोल रहे हैं। हम तो आग्रह करेंगे आपके माध्यम से सभी शांति बनाए रखें और सभी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब हम लोग इसी देश के नागरिक हैं, हम लोग सब मिलजुल के फिर से बिहार को शांति चमन। बीजेपी की तरफ से न्यायिक जांच की मांग रही है भाई, न्यायिक जांच पहले तो ये सरकार जांच कर रही है। हम तो डीएम से मिले हैं, एसपी से मिले हैं, सब लोग कर रहे हैं और सब लोग निर्दोष फंसे नहीं, और जो दोषी उसको छोड़ा नहीं जाए, कह के मांग। क्रमांक है 1 2 3 4 कुछ हम लोग लिखते भी एग्जाम में भी, एक दो वो क्रमांक है, उससे आप लोग जाति वो की बात मत कीजिए। वो तो जानने के लिए कि किस किस जाति के लोग क्या हैं, उस हिसाब से सुविधा देने की बात है। क्रमांक पर आप लोग माननीय विधायक आप कितने नंबर पे हैं भाई? नंबर हम तो कहे कि हम तो सबके साथ हैं।